टांग देवियों और सज्जनों, अपनी पेटी की कुर्सी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे का सफर और भी रंगीन होने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ सेंट पियर दे कोर से लेके बोर्डो ट्रेन में। फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत ही अच्छा सुपर सिस्टम है यहाँ पे, और कैफे भी है ट्रेन के अंदर। और ये मेरा कोच है, अंदर सब लोग बड़े क्वाइटली बैठते हैं और कोई बात बात नहीं करता और बहुत शांति है। बहुत ही टाइप का माहौल है, सो रहे हैं कुछ लोग। That's why I didn't do a video inside. It's very rude otherwise. हमारे यहाँ एयरलाइन की सीट्स भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी यहाँ के फर्स्ट क्लास के ट्रेन की सीट्स है। मेरे को जाके बैठ के मतलब ऐसा लगा जैसे बम के लिए हेवन आ गया, मतलब सो जाओ और आराम करो, ब्यूटिफुल, वेरी वेरी वेल डन। मैं जा रहा हूँ फ्रांस के एक्सट्रीम नॉर्थ एरिया में से, नॉर्थ वेस्ट नॉर्मंडी, वहां से साउथ वेस्ट में बोर्डो। और जैसे जैसे साउथ में जा रहे हैं वैसे वैसे ऑलरेडी समर है, लेकिन ज्यादा आसमान खुला होने लगा और ज्यादा ब्राइट। इस वक्त ऑलमोस्ट शाम के 8 बज रहे, 8 o'clock, मगर ये देखो खिली खिली धूप, चमक रहा है सूरज एकदम, ये 11 बजे तक रहेगा। कोई भी अनाउंसमेंट इंग्लिश में नहीं करते ये लोग, ये क्या बोल रहे हैं? वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? सॉन्ग मतलब 10 मतलब 10 मिनट लेट हो सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ है शायद। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत लंबा अनाउंसमेंट है, मैं इतना लंबा वीडियो नहीं कर सकता, बोर हो रहा हूँ मैं। और ट्रेन की खूबसूरत फर्स्ट क्लास का भरपूर आनंद उठाने के बाद अब मैं फाइनली पहुंच गया हूँ बोर्डो। लेकिन बोर्डो में मेरे पास सिर्फ एक रात है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। बोर्डो इज दिस ब्यूटीफुल टाउन इन फ्रांस, एंड दिस इज लाइक द सेंट्रल एरिया, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पीछे मेरे ओपेरा हाउस है यहाँ का, ये ग्रैंड होटल है, बहुत अच्छी है। मैं उसमें नहीं रह रहा हूँ, बहुत महंगी है, बट यस, नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली आई विल कम, आई विल स्टे देयर। इट्स अ लवली सिटी, देयर इज ट्रैम, सी ट्रैम कमिंग बिहाइंड मी। इतनी सारी जगह है लेकिन फिर भी वेरी फ्यू पीपल, और बहुत शांति से चल रही है। उस तरफ थोड़ा आगे रिवर फ्रंट है, इट्स ओल्ड आर्किटेक्चर, एंड दिस इज एज ओल्ड एज पेरिस द सिटी, but it's very different in vibe from Paris, it's completely different, like Paris is moving, Paris is like Bombay, this is like Delhi, it's like a little shant, a little cool, very nice. Aur Bodo mein dinner ke liye mujhe mil gaye hain apne purane dost, मुझे यहाँ लेके आई है पैट्रिशिया बाप, जो मेरी वाइफ की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उनके हस्बैंड बर्नार्ड। बर्नार्ड और पैट्रिशिया मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, जो बॉम्बे भी आ चुके हैं और मुझसे मिल चुके हैं। लेकिन ये आज मुझे जिस जगह पे बोर्डो में डिनर के लिए लेके आए हैं, इस जगह को मैं भूल नहीं सकता। क्या वाइब है इस जगह की, क्या खूबसूरत जगह है, मामा शेल्टर। डेढ़ बज गया रात का, और बोर्डो की सुनसान गलियों में, ऑलमोस्ट सुनसान ही है, घूम रहा हूँ। अंधेरे रास्ते पर चले जा रहे हो अकेले की गलियों में। Did you see that carousel? दिख रहा है वहाँ पे? अभी लाइटें नहीं है चारों, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है।
टिक्का दुक्का क्लब्स खुले हैं अभी या शॉप्स खुली हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत कम, तो बहुत सारे लोग छुट्टियों पे चले गए हैं यहाँ पे। बिहाइंड मी इज द सिंगल लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन एंटायर यूरोप फॉर शॉपिंग, द सिंगल लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन स्ट्रीट। बहुत लंबी सड़क है और दोनों तरफ सिर्फ शॉप्स ही शॉप्स, शॉपिंग हेवन इट इज। लेकिन आज संडे की शाम है, ऑलरेडी रात के 1:30 बज चुके हैं और ये अगस्त का पहला संडे, इसलिए सब कुछ बंद है। मगर कोई फिक्र नहीं, मैं अकेला घूम रहा हूँ अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं।